वाहेगुरु जी की फतेह। सो साध संगत जी, आप सारे ही बड़भागे हो जिथे अकाल पुरख वाहेगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर दे सरगुण सरूप दसवें गुरु नानक श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल उपारण दे वास्ते अवतार धारिया अपना आप प्रकाश किया उस महान पवित्र स्थान तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब के सचखंड दरबार दिया हाजरियां भरते हुए अपना लोक परलोक सुहेला बना रहे हो। कलगी दर दशमेश पिता जी दिया खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत वेले अमृत बाणी श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ तो उपरंत पंजा बाणियां का नितनेम उपरंत आसा पूर्ण करने वाली श्री आसा जी की बार दे छक्के छंत शब्द कीर्तन आप सारे ने सरवण किया उपरंत सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर दुगलत्था कथा सुनत मल सगली खोवै साहिबान का फुरमान है। सो साध संगत जी, अज अमृत वेले जो पवित्र हुक्मनामा आया सी मिलावल महला पंजवा सहज समाध आनंद सूख पूरे गुरदीन सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीन रहाओ। जय जयकार जगत्रमय लोचै सब जिया सो प्रसन्न पै सतगुर प्रभु कज विघन न थिया। जाका अंग दयाल प्रभु तांके सब दास सदा सदा बड़ियाइया नानक गुर पास। शहीदां दे सरतार शांति दे महान कुंज नाम बाणी दे बोहित कलयुगी जीवां दे उधार करता साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बिलावल राग विच अज दे हुक्मनामे द्वारा सानू उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। सहज समाध आनंद सुख पूरे गुर दीन पूरे गुरां ने सहज समाधि लगाउण दा सुख आनंद सानू दिता है। समाधि दो प्रकार की है, एक साह विकल्प समाधि एक निर्विकल्प समाधि। साह विकल्प समाधि विच समाधि तो लग जाती है, नेत्र जुड़ जाते हैं पर संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। संकल्पां विकल्पां तो छुटकारा नहीं हुंदा ते निर्विकल्प समाधि में सारे संकल्प विकल्पां का अभाव हो जाता है, सारे विचार सुन हो जाते हैं, फुरनियां तो रहत हो जाता है। सहज समाधि दे अलग अलग नाम हैं, निर्विकल्प समाधि सुन समाधि या फुर समाधि, ये सब सहज समाध के अंतर्गत आते हैं। जो फुरनियां तो रहत समाधि है अफुर समाधि, जो विचारों तो सुन हो जाना इसमें सुन समाधि क्या है। निर्विकल्प समाधि में सारे संकल्प विकल्प खत्म हो जाते हैं, अभाव हो जाते हैं। सो निर्विकल्प समाधि लगाउण दा सहज समाधि लगाउण दा सुख आनंद सानू पूरे सतगुरों ने दिता है। सदा सहाई संग प्रभ, ओ प्रभु अंग संग होके सदा सहाई हुंदा है, लोक परलोक का रक्षक है। जन्म तो पहला मरण तो उपरंत परमात्मा रक्षा करता है, माता के गर्भ विच भी रक्षा करता है, शरीर छड्डन उपरंत परलोक विखे भी रक्षा करता है। लोक परलोक का रक्षक है वो परमात्मा। सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण ची, असा ने उसके अमृत मृत्यु तो रहित करने वाले परोपकार वाले गुणा नु चीन जाणिया है। जय जयकार जगत्रमय लोचै सब जीआं, उस परमात्मा का सारे जगत भी जय जयकार हो रहा है। सारे जीआं जंत उसके दर्शनों नु लोचते हैं, चाहते हैं सानू परमात्मा के दर्शन हो जाण, पर किसी विरले नु उस परमात्मा के दर्शन होंदे हैं। जिन्हों का हिरदा शुद्ध हुंदा है उस शुद्ध अंतकरण वाले जग्यासु के अंतकरण रूपी सहजा से परमात्मा प्रगट हुंदा है। सो गुरु साहिब जी फरमाउंदे हैं जय जयकार जगत्रमय लोचै सब जीआ सो प्रसन्न पै सतगुर प्रभु कज विघन न थिया। अकाल पुरख वाहिगुरु के सरगुण स्वरूप सतगुरु जी प्रसन्न होए
जहाँ सतगुरु प्रसन्न होए तो परमात्मा भी प्रसन्न होए तो कज विघन ना थी जा किसी प्रकार का कोई विघन नहीं होया। जाका अंग दयाल प्रभ तांके सब दास, ओ प्रभु जेदा अंग पाप करदा कसमाना करदा सारा जगत उसका दास हो जाता है। ओ परमात्मा आप कृपा करके सारे जगत नूं लिया के उस गुरमुख के चरणी पा देंदा है। उस गुरमुख का जस तिना लोगों भी सुनाउंदा है। मानस क्या बेचारा ते वो लोग सुनाए सी, मनुख बेचारा की है, वो परमात्मा आप अपने सेवकों का जस तिना लोगों भी सुनाउंदा है। तो गुरु साहब जी फरमाते हैं जाका अंग दयाल प्रभ तांके सब दास, सदा सदा वडियाइया नानक गुरपास। सदा सदा दियाँ वडियाइया भूतकाल वर्तमान काल भविखत काल तीनों समयां दियाँ वडियाइया सतगुरु नानक देव जी के पास हैं। सारिया वडियाइया सतगुरां विच हन, इसलिए सतगुरां नूं वड्डा करके सलाहना चाहिए। आसा जी की बात जी पौड़ी विच गुरु साहब जी उच्चारण करते हैं, सतगुर वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वडियाइया। जे सतगुरु विच वड्डियां तो वड्डियाइयां हन उह सतगुरु नूं वड्डा करके सलाहना चाहिए। भावें अपना गुरु छोटा क्यों ना होवे पर उसनूं वड्डा करके सलाहना चाहिए। साडा गुरु सब तो वड्डा है, सारियां तो उच्चा है, सारियां तो समर्थ है साडा गुरु, ये निश्चा होना चाहिए है। और निश्चय नूं फल लगता है, जिस दे अंदर निश्चा होवे उसनूं पूरा गुरु तार देंदा है। जिमें छोटी जी साखी आती है, किसी राजे ने अपने वजीर नूं पुछया कि पीर वड्डा कि यकीन वड्डा। वजीर ने कहा कि यकीन वड्डा। कहिंदे ओह किवें? कहिंदे मैनूं मोहलत दिओ एक महीने की, तो कुछ माया दवाओ तो मैं तुहानूं परतक दिखा देंगा। एक महीने की मोहलत दित्ती, खजांची नूं कह के माया दवाती। वह वजीर उजाड़ा में चला गया, धरती फुट के और अपने पैर की एक जुत्ती दब दिती और उपर मिट्टी पा के उच्चा जहा थड़ा मजार जहा बना दिता। तो उत्थे धूप बत्ती कैलेंडर वगैरह रख करके फोटूआ रख करके रौला पाता कि ये जुत्ते साध ही मजार है, इत्थे जिहड़ा भी कोई सुखना सुखेगा उसकी सुखना पूरी होगी। सारे रौला पै गया, सारे दूरों दूरों आन लगे उस मजार ते और सरदा भावना दे नाल सुखना सुखते हैं, उन्हां दी सुखना पूरी हुंदी है। एक दिन राजे दा लड़का बीमार हो गया, बड़े जतन किते वैद हकीम सदे पर राजी ना होया। किसी ने कहा भाई जुत्ते साध ही मजार ते जाओ और उत्थे तुहाडा लड़का राजी हो जाएगा। लोगों की गल मन के वह राजा गया, सुखना सुखिया जुत्ते साध ही मजार ते और कुछ दिनों में उसका लड़का राजी हो गया। फिर बड़े ठाट बाट के नाल लाओ लश्कर के नाल बैंड बाजे के नाल सुखना लाउन गया उस मजार ते। जदों सुखना ला के वापस मुड़न लग्या तो वजीर ने फड़ लिया, रोक लिया, कहा कि राजा साहब ठहर जाओ, मैं अज तुहाडी गल का जवाब देना चाहुंदा। तो राजा उत्थे रुक गया, उसने एक कही फड़ी हाथ च और पहला तो सारिया फोटूआ कैलेंडर माला वगैरह हटा करके धूप बत्ती हटा करके मिट्टी पुटन लग्या। मिट्टी पुट के जब टोआ पुटिया तो एक पैर की जुत्ती जो उसे ने दबी सी वो जुत्ती कट के विखाउन लग्या। तुसी सुनिया सी जुत्ते साह दी मजाक, ये कोई जुत्ते साह फकीर नहीं होया, ये मेरे पैर की एक जुत्ती मैं ही दबी सी ते मैं ही रौला पाया सी, जुत्ते साह दी मजार है। तुसी सुखना सुखिया और थोड़ी सुखना पूरी हुई। सो इस तरह उसने निश्चय करा दिता कि यकीन वड्डा हुंदा, पीर वड्डा के यकीन वड्डा, पीर नालों यकीन वड्डा हुंदा। जे पीर वड्डा भी होवे पर यकीन ना होवे उस पीर विच फिर गल नहीं बनती। गुरु वड्डा होवे पर गुरु विच निश्चा ना होवे गल नहीं बनती, सारी गल निश्चय दी है। सो सदा सदा वडियाइया नानक गुर पास, सदा सदा दियाँ वडियाइया सतगुरु नानक देव पास पातशाह जी दे पास हन। सो साध संग